हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रौनक्स रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड कोकोनट कुकीज़, यानी कि नारियल की बिस्किट्स। तो चलिए बनाते हैं इसे। हमने गैस में बनाया है और ओवन ओटीजी में भी बनाया है, तो आप दोनों को देख सकते हैं रेसिपी। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओटीजी में बना सकते हैं या फिर आप गैस में भी बना सकते हैं। बहुत इजी टू मेक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर लिया है मैंने मेल्टेड बटर। ये बटर मैंने रूम टेम्परेचर में रख दिया था। आपको यहाँ पर हार्ड वाला बटर नहीं लेना है, तो यहाँ पर अमूल बटर लिया है मैंने 5 से 6 चम्मच फुल भर कर। और इसे आपको विस्क करना है यूजिंग अ हैंड ब्लेंडर, और आप हाथ से भी विस्क कर सकते हैं बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। और इसमें आपको ऐड करना है 1 कप चीनी, यानी कि 250 ग्राम पीसी हुई चीनी, यानी कि पाउडर्ड शुगर। इसमें मिक्स कर देना और इस तरीके से होना चाहिए ताकि इसका कंसिस्टेंसी ग्रे ना, अच्छे से मिक्स हो गया है सारे। इसमें चीनी और बटर को मिक्स कर दिया मैंने मशीन चलाकर। अब इसमें आपको ऐड करना है मैदा, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर 2 कप मैदा ऐड करना है। उसे छान के ऐड करना है विस्क करके, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे आपके बैटर में। और इसे देखिए इस तरीके से स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया मैंने। अब इसी स्ट्रेनर में आपको ऐड करना है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून एंड बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और सॉल्ट 1/4 टीस्पून। नमक बैलेंस करता है। अब इसमें आपको ऐड करना है वनीला कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच भरकर वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, तो ये ज़रूर ऐड करें। अब आपको इसमें ऐड करना है डेजिग्नेटेड कोकोनट, इस तरीके से बारीक कोकोनट जो आपको मिलता है बाहर में, सूखी हुई नारियल की पाउडर जो मिलती है, इसे आपको 2 कप भर के ऐड करना है। बिकॉज दिस इज़ कोकोनट कुकीज़, तो ये ज़रूर ऐड करें। डेजिग्नेटेड कोकोनट्स आपको कोई भी मार्केट में मिल जाएगा। अब आपको इसमें ऐड करना है इलायची पाउडर, यानी कि कार्डमम पाउडर 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा आपके कोकोनट बिस्किट्स में, कुकीज़ में। इसे एवरीथिंग मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है बैटर को, और इसे आपको डो की जैसे गूंदना है हाथों से। तो ये 1 कप मिल्क लिया है मैंने। अब आपको इसे एक एक थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, ग्रेजुअली ऐड करना है मिल्क। एक बार में आपको ऐड नहीं करना है, वरना आपका डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बट हमें नॉर्मल सख्त डो रखना है, तो हाथों से अच्छे से आप इसे गूंद लें और लास्ट में इसमें बटर ऐड कर दें 1 टीस्पून। और ये देखिए इस तरीके का डो होना चाहिए, हार्ड डो, और इतना दूध बच गया था 1 कप में। अब आपको ग्रीस कर देना है अपने बेकिंग ट्रे को अच्छी तरीके से, और उसमें आपको ऐड करना है बटर पेपर, उसे भी ग्रीस कर देना है। और गैस में बना रहे हैं तो गैस वाले प्लेट को भी अच्छे से ग्रीस कर दे, ताकि आपका बिस्किट्स जो है ईजिली निकल जाए। अब यहाँ पे एक ही मेजरमेंट के हिसाब से आपको अपने कुकीज़ को बनाना है। एक मेजरमेंट के हिसाब से हमने कुकीज़ को बनाना है, और हाथों से अच्छे से राउंड करके आपको शेप देना है। और इसमें आपको एक साइड पे लगाना है डेजिग्नेटेड कोकोनट पाउडर इस तरीके से, ताकि आपका कुकीज़ में पता चले कि वो कोकोनट बिस्किट्स है, कुकीज़ है। एक तरफ से आपको लगाकर बेकिंग ट्रे पे रख देना है। इसमें डिस्टेंस होना चाहिए बेकिंग ट्रे में, ताकि कुकीज़ अच्छे से स्टिक ना हो। अब आपको प्री हीट करना है आपको गैस वाले ओवन को भी और ओटीजी ओवन को भी। तो यहाँ पे आपको एक पैन लेना है कोई भी, और उसमें आपको एक स्टैंड रख देना है, ताकि डायरेक्टली आपका कुकीज़ जले ना। और प्री हीट करना है फॉर 10 मिनट्स एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ओवन को भी और गैस को भी 10 मिनट के लिए आप लो फ्लेम में रख दे, ताकि ये प्री हीट हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब आपको इस तरीके से डिस्टेंस में रख देना है। मैं गैस में 4 ही पीस बना के आपको दिखाती हूँ, बिकॉज बाकी मैं ओटीजी में बनाऊँगी। तो बाकियों को इसी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके आपको रख देना है बेक करने के लिए फॉर 15 मिनट्स एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। कुकीज़ मोड में आपके कोई भी बेक मोड में आप डाल सकते हैं। ये 15 मिनट में 160 डिग्री में बन जाएगा, और इसे आप पहले लो रैक में रखें, नीचे से बक जाए तो इसे अपर रैक में रख दें। तो ये देखिए गैस को भी मैंने पहले एक तरफ से पका के दूसरे तरफ से टर्न कर लिया, और बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन जैसा बन गया है, बहुत अच्छा कलर आ गया था 15 मिनट में। 10 मिनट लो फ्लेम में नीचे रखा है, और उसके बाद अपर रैक में रख दिया था। और इसे भी लो फ्लेम में बनाना है कुकीज़ को, हाई फ्लेम में मत रखें वरना जल जाएगा। और देखिए हाथ से आप टच करके चेक कर सकते हैं, ये अगर अच्छे से पक गया है तो रेडी हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से बन गया है, सारी कुकीज़ बना के ऐसे भी पक गया है। ये देखिए बैक साइड से भी बहुत अच्छे से पक चुका है, और फ्रंट साइड से भी। ये गैस में बनाया है और ये ओवन में बनाया है मैंने। तो ये देखिए दोनों बैच में बनाया है, तो सबको निकाल लेते हैं।
ये सब मैंने अभी रेडी किया है। तो टोटल 23 पीसेस बने हैं। 4 पीस मैंने आपको गैस में बना के दिखाया है और बाकी मैंने OTG में बना के दिखाया है। देखिए पीछे से भी, बैक साइड से इतने अच्छे से बेक हो गया है और फ्रंट साइड से भी। तो काफ़ी ये छोटू सा बना है, लास्ट का बच गया था। टोटल 23 पीसेस बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 23 पीसेस ऑफ कोकोनट कुकीज़ बने हैं। एंड ये वाले बनाए हैं मैंने OTG में, ये देखिए बहुत अच्छे से इसका बेक हो गया है। और ये वाले मैंने बनाए हैं गैस पे, दोनों को मैंने बनाया है। आप दोनों की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ओवन है तो ओवन बनाएं। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कैसा बना है ये। देखिए काफ़ी अच्छा है, बैक साइड से भी ये गैस में बनाया है मैंने। और इसे तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छा टेस्टी बना है, बाहर से भी अंदर से भी सब तरफ से ये पक चुका है। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, गैस में बनाएं और बहुत ही अच्छा बनेगा देखिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये OTG वाला है, अगर आपके पास OTG है तो आप OTG में बना सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ब्राउन हो चुका है, ऊपर से भी अंदर से भी बैक साइड से भी पक चुका है। और इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत यम्मी है। ये देखिए दोनों पक के रेडी हो चुके हैं और काफ़ी टेस्टी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद एवरीवन एंड एंजॉय दिस डिलीशियस कोकोनट बिस्किट्स कुकीज़, कोकोनट कुकीज़। तो जब ये ठंडा हो जाए कम्प्लीटली, पूरा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो आप इसे एक कंटेनर में रख सकते हैं स्टोर करके, और काफ़ी दिन तक ये चलेगा और आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं और इसे रख कर खाएं, बहुत दिन चलता है ये। तो मैं भी इसे स्टोर करके खाऊंगी, बहुत सारा बनाए। और आप भी इसे ट्राई करें और सबके साथ शेयर करें और इन्जॉय करें ये कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी एंड शेयर विद एवरीवन दोस्त हू लव कोकोनट बिस्किट्स। आप इसे स्टोर करके खाएं और इसे आप कुछ दिन तक रख के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगता है ये, टेस्टी है। और मैं भी इसे रख कर इन्जॉय करती हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद एवरीवन एंड डू ट्राई दिस कोकोनट कुकीज़ रेसिपी।